अमरनाथ में शनिवार को महिलाओं के लिए शुरू की गई ई रिक्शा योजना का शुभारंभ करने ई रिक्शा में सवार होकर पहुंचे। लालबाग में महिलाओं को सफर देने के बाद उन्होंने कहा कि यह योजना केवल रोजगार के लिए नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में जितने भी रिक्शा की जरूरत होगी दिए जाएंगे। सीएम के साथ गृह मंत्री बाला बच्चन और मंत्री सज्जन सिंह परवानी, सज्जन सिंह वर्मा भी रिक्शे में सवार नजर आए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह योजना केवल महिलाओं के लिए है, यह केवल एक रोजगार की योजना नहीं है अपितु महिला सशक्तिकरण की योजना है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में जितने भी ई रिक्शा की आवश्यकता होती है महिलाओं को वितरित किए जाएंगे। मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश हो। यह कैसे होगा यह प्रशासन को तय करना है। निर्भया केस में आरोपियों की फांसी पर कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया है वह होनी चाहिए। प्रदेश में माफिया राज खत्म करने को लेकर कहा कि इसे भी प्रशासन को तय करना है। मेरा लक्ष्य है कि प्रदेश की जनता को सुरक्षित वातावरण मिले और सुरक्षित वातावरण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए आने वाले समय में और भी काम होंगे लेकिन मैं इसकी घोषणा नहीं करता। मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल से सीधे लालबाग में ई सफर कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे। इसके बाद वे डेली कॉलेज, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, रोटरी क्लब के कार्यक्रमों में शामिल हुए। शाम कोस जीवनी क्लिनिक का शुभारंभ किया और फिर भोपाल के लिए रवाना हुए। महीने में एक नई शुरुआत करी है। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए हमें एक नया नक्शा बनाना है। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है? हमारे नई पीढ़ी की, हमारे नौजवानों की, भविष्य की चुनौती। आज का भटकता हुआ नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, हमारे देश का निर्माण करेगा भविष्य में, उस नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो वो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? यह सबसे बड़ी चुनौती है। हमारी कृषि क्षेत्र की चुनौती, 70% हमारे मध्य प्रदेश के लोग का जीवन जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से, किसान नहीं है। अगर इंदौर के बाजारों में रोशनी है, हमारे ब्लॉक और तहसील और बाजारों में, हमारे किराने के दुकानों में अगर रोशनी है, उनका व्यापार चलता है, जब किसानों के हाथ में क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यानी इतना अच्छा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और सर का मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। किस तरह आप लोगों के साथ काम करेंगे और कैसे कंधे से कंधा मिला के आप बच्चों के साथ काम करने की आएगी आइए तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, यानी ऐसा लग ही नहीं रहा है। मेरे जिसने पहनी है और मुझे एक बहुत सहयोग मिला मुझे मुख्यमंत्री जी से। मेरा रूर है गोई नगर का, तो अपना रोबर चौराहे तक का रहेगा, मेरा घर उधर ही पास में, तो उधर कर लूंगी मैं। वर्तमान में क्या करती थी पहले? मैं विज्ञापन करती थी, मार्केट चला, मैं गाड़ी चलाती थी, विज्ञापन करती थी। अभी फिलहाल में मनीष बीज टेर इंडिया की गाड़ी चला रही हूँ मैं, और अब मैं ना ये करना चाहूंगी। आपका नाम? मेरा नाम देवकुन्या पांडे।